श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के द्वारा मनाया जा रहा रक्तदान का नया इतिहास। 17 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर के पीछे श्री सत्यनारायण मंदिर परिसर में सुबह के 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय रक्तदान का महाअभियान चलाया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर सभा बिष्टुपुर स्थित श्री सत्यनारायण मारवाड़ी मंदिर राम मंदिर के पीछे बिष्टुपुर में 17 सितंबर 2022 को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रही है। अभातेयुग का लक्ष्य देश और विदेश में प्रवासित भारतीय नागरिकों के माध्यम से लगभग 2000 रक्तदान शिविरों का आयोजन कर अनुमानतः 2 लाख यूनिट से अधिक रक्तदान करवाना है। 133 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में लगभग 52 करोड़ ऐसे स्वस्थ व्यक्तियों की विशाल संख्या उपस्थित है, जो स्वैच्छिक रक्तदान करे तो देश के ब्लड बैंकों में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। विश्व की सर्वाधिक रक्तदाता संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने अपने कर्मठ, युवा, अति उत्साही एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हजारों हजारों युवाओं के सकारात्मक सक्रिय सहयोग से देश के नगरों, महानगरों, कस्बों तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों में फैली 350 से अधिक शाखाओं के बल पर रक्तदान के महाभियान मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के माध्यम से आगामी 17 सितंबर 2022 को रक्तदान का नया इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। दिन एक ही समय में पूरे भारतवर्ष में 2 लाख यूनिट संग्रह करने के लिए रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। कौन संस्था के द्वारा लगाया जाए? ये संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद है, जो जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की युवाओं की संस्था है, और इसने पहले 2014 में भी एक ऐसा ही कैंप लगाया था जिसमें उसने 1,212 यूनिट संग्रह किया था, और उनकी इस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस संस्था का नाम दर्ज किया गया था। इस बार हम राष्ट्रीय स्तर पर तो 2000 कैंपों में 2 लाख से अधिक रक्त संग्रह करने का लक्ष्य लेकर बढ़ रहे हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, इसके अलावा सुदूरवर्ती जो मुल्क हैं वहाँ भी 18 ऐसे कैंप देशों में लग रहे हैं जहाँ 36 कैंप लगेंगे, और वहाँ भी हम लोग वर्ल्ड संग्रह करके और एक तरह से वसुधैव कुटुंबक की भावना को हम लोग इसको बढ़ावा देने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बार का रक्तदान शिविर यहाँ जो हम लोग रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, ये सत्यनारायण मारवाड़ी मंदिर बिष्टुपुर जो राम मंदिर के ठीक पीछे है, वहाँ 10 बजे से लेके 5 बजे 17 सितंबर 2022 को एक कैंप लगेगा, और इसमें यहाँ के समाज के सारे अन्य संगठन जो हैं उनका भी हम लोगों को नैतिक समर्थन प्राप्त है। कितना कैंप लगेगा भारतवर्ष में? पूरा 2000 कैंप लगेंगे। झारखंड में कितना कैंप लगेगा? झारखंड में हमारे महासचिव 100-150 के आसपास। 150 झारखंड में कितने कैंप लगेंगे? 100-150 के आसपास झारखंड में। ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का आप लोग मैंने अपना रिकॉर्ड कितना था? कितना रिकॉर्ड? पहले 1,212 का रिकॉर्ड था, इस बार हम लोग 2 लाख से भी अधिक रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखते हैं, और इसमें हमें भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा रेलवे मंत्रालय का भी सहयोग प्राप्त है, और रेलवे के हर स्टेशन में मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल अनाउंसमेंट भी हर स्टेशन पर हो रहे हैं, ताकि ये जो मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव है MBDD, इसके माध्यम से लोग आएँ शिविरों में और अपना रक्तदान करें। और खाली रक्तदान इकट्ठा करने के लिए दृष्टि से भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग एक रक्तदाताओं का ई कोष डाटा बैंक भी बना रहे हैं, जिसको हम भारत सरकार को समर्पित करेंगे और अन्य प्रांतों में भी इसका काम आएगा। जिस ज़रूरतमंद आदमी को जिस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होगी उस डाटा बैंक से वो आने वाले समय में भी अपना जीवन को बचा सके। रक्तदान से उद्घाटन समारोह में कोई मुख्य अतिथि रहे? मुख्य अतिथि टाटा स्टील के वहाँ पे उद्घाटन। जमशेदपुर में क्या टारगेट लिए, कितना का हो जाएगा ब्लड डोनेशन? जमशेदपुर में 250 यूनिट का हमारा टारगेट है, और जितने ज़्यादा लोग आए उतना अच्छा है। और हमारा 2 कैंप हो रहा है जमशेदपुर में, एक काला पाथर में ढालगुमगढ़ में हो रहा है और एक जमशेदपुर में। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा जमशेदपुर का मैं निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। मैं हेमंत जैन, अभी मैं सचिव हूँ। अशोक कुमार जैन, वर्तमान अध्यक्ष। विनोद बोथरा। मनीष कुमार जैन, जमशेदपुर ओसवाल जैन संघ युवा मंच का अध्यक्ष।